पुणि थे फेर से ही बड़ खबर को जे 6 रु 12 वर्ष पिला मिल कोविड टीका 6 रु 12 वर्ष पिला कोवैक्सीन टीका देवा अनुमति मिली पिला कोवैक्सीन टीका देवा डीसीजीआई देते अनुमति ए संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती। दिव्यज्योति बहुत भल खबर आसी पहुंचुच 6 रु 12 वर्ष पिला वर्तमान कोविड टीका दिजा निहाती भाव में यह एक बहुत भल खबर तेज प्रतिक्रिया वर्तमान कौन आस देखो निश्चित भाव में आप जानते जिते समग्र विश्व कोविड सह लड़े करूला से ही समय भारत तार निजस्व दुईटी टीका बाहर करा गोटे कोवैक्सीन आ गोटे आप जानते जो भाई कोवैक्सीन को बाहर करागला परवर्त समय आउ गोटे टीका बाहर करा जो गोटे पर गोटे तार तर्जमा कर यार बयस अनुपातिक टीकाकरण वृद्धि कर आज देखिए 6 रु 12 वर्ष पर्यंत जो छोट पिला अच्छा टीका को अनुमति मिली डीसीजीआई अनुमति देखते निहत भाव समस्त भल खबर आम कहीपर जिते बड़े फोर्थ लहर कथ चिंता करोर्थ लहर आसे चर्चा हो धीरे धीरे देश में संक्रमण संख्या बढ़ुची से समय शिशु सुरक्षा को नहीं समस्त जत्नवान होती यार विषय में केन्द्र सरकार प्रस्तुति लगी जिते टीका को अनुमति मिल सारी निहत भाव में यह समस्त भल खबर जिते शीघ्र आम टीका ने जो कोविड रु आम सुरक्षित रही पार कोविड रु जो विपद आम दूरे रही पार निहत भाव में जो अनुमति मिलला ये अनुमति पर खुब शीघ्र टीकाकरण आरंभ हम से क्रम जो ओडिशा परिप्रेक्षी में देखा ओडिशा में पाखापाखी 30 रु 40 लक्ष पिला अच्छा जो मान बयस हो 6 रु 12 वर्ष से टीकाकरण ओडिशा रे स्वतंत्र व्यवस्था कराई कि ग्रीष्म प्रभाव प्रभाव समय कि टीकाकरण करते आसवे के समय टीकाकरण केन्द्र खोल से नहीं दिव्यज्योति एक बहुत स्वागत योग्य पदक्षेप मुवर्त मुहूर्त में फेर भी आप दिव्यज्योति बर्तमान आम सहित जोड़ी होती डाक्टर वेंकट राव कोवैक्सीन परीक्षण मुख्य ओडिशा जी आम सहित जोड़ी श्रीजुक्त राव प्रथम आपको आलोचना को स्वागत करुच्चु देखते बर्तमान जो भाई भाव में खबर आसी पहुंचुचे 6 रु 12 वर्ष पिला कोविड टीका दिजा पी कोवैक्सीन टीका पिला दिजा निश्चित भाव में यह एक स्वागत योग्य पदक्षेप प्रथम प्रतिक्रिया आप कौन रहा दुईटी इम्पोर्टेंट जिनस प्रथम है अभिभावक माने पिता माता माने से मनकर मनरे गोटे द्वंद्व थाए जे पिला मानंकु ए टीका देई पारिबा ना नाही आज्ञा तार उत्तर सीधा सड़क उत्तर हला जे जेते बेले ठु आमे प्रथम पर्याय रे जो टीका परीक्षण स्टार्ट करथिलु एवं शेषरे वर्तमान तृतीय पर्याय परीक्षण सरी सारलानी सेथिरु क्लियरली जणा पडछि जे छुआ मानंकु भी आराम से देई पारिबा जेते बेले गर्भवती महिलांकु आमे देई पारछु ताहेले छुआ मानंकु देबारे किछि क्षयक्षति नाही आज्ञा किंतु द्वितीय प्रश्न उठुची जदि छुआ मानक दे पारे एत डेरी पर्यंत कहीं सरकार अनुमोदन दे नेतु आम रिक्वायरमेंट थी जो मैंने वल्नरेबल मैक्सिमम वल्नरेबिलिटी जमीक सीनियर सिटीजन कोमॉर्बिड कंडीशंस डायबिटीज ओबेसिटी था प्रायोरिटी दि जाइला धीरे धीरे 18 वर्ष रु कम को अणाला 18 रु 15 वर्ष दिगला 12 रु 15 वर्ष दिगला बर्तमान 6 रु 12 वर्ष दि जा कारण प्रायोरिटी अनुसार सरकार डिसाइड करती कारण लिमिटेड सप्लाई थाए से क्षेत्र में पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम हिसाब से जो रोल आउट करवामर क्या प्रायोरिटी दिजो क्या सेकेंड प्रायोरिटी दिजो से अनुसार बर्तमान 6 रु 12 वर्ष दिगला किंतु एवं जेहेतु नुआ वायरस गुड़ा भी आसूची ओमिक्रॉन भी आसूची एक्सी वेरिएंट आसला जो सब मिश्रण से विरुद्ध एक्जिस्टिंग वैक्सीन रे माने एफिकेसी जोटा टिके कमी जाउछे एडवाइज रहिबो जे कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार निहाती दरकार जिते जहाँ टीका नेले दिए टीका नला किंतु टीका सहित अन्य अस्त्र हला कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार जोटा कि हाथ मुह धोइबा सामाजिक दूरत्व मेंटेन करिबा एवं मास्क तेज श्रीजुक्त राव जमीक बड़ मान क्षेत्र में आम देखीजे ए पार्श्व प्रतिक्रिया कि देखा जाता कि जमी ज्वर हाँ टीका नेबार गोटे दिन पर जमी ज्वर हाँ हाथ बिंधा सेमती पिला क्षेत्र में भी देखा संभावना रही कि किसी पार्श्व प्रतिक्रिया प्रथम कथा कहूँ पार्श्व प्रतिक्रिया कहानी कहीं भैक्सीन दौचे भैक्सीन कौन था गोटे भूताणु था कि रोग कर क्षमता न था कि देह भर को भूताणु भितर को पशि आसुच्चे पशु देह रोग लड़बार शक्ति उत्पन्न होने टी दरज हवा कि ज्वर हवा टी फिवरिश लग देह हाथ गोड़ बेड़ा हवा यहाँ हूँ गोटे नॉर्मल रिएक्शन उदाहरण स्वरूप जदि जड़े वैक्सीन नहीं साइड रिएक्शन ना देह कम कम कर
ଯଦି ଟିକେ ଜ୍ୱର ଆସିଛି, ଦେହ ହାତ ଗୋଡ଼ା ବିନ୍ଧା ହେଇଛି 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଶ୍ଚୟ କାମ କରିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନର୍ମାଲି କ୍ରୋନିକ୍ ଡିଜିଜ୍ରେ ଆଟାକ୍ ଅଛନ୍ତି, ବା ଯେମିତିକି କ୍ୟାନ୍ସର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅଲଗା କୌଣସି କ୍ରୋନିକ୍ ଡିଜିଜ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇପାରିବେ କି? ୟେସ୍, ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଟା କି ଏଇଟା ସେଫ୍, ସମସ୍ତେ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ରୋଗ ଲଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଇମ୍ୟୁନିଟି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି କୌଣସି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ କିମ୍ବା କେମୋଥେରାପି ଯୋଗୁଁ, ସେମାନଙ୍କର ହୁଏତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟିକେ କମ୍ କାମ କରିପାରେ। ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ନା ଏକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବ୍ୟବହାର ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଓ, ଯେହେତୁ 6-12 ବର୍ଷ ନର୍ମାଲି ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ ନର୍ମାଲି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର, ତେବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିହାତି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି? ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କାରଣ ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯଦି ଆମ ଛୁଆ ଖେଳୁଛି ବୁଲୁଛି ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି ତାର ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା? ସେମାନେ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ବେଶୀ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦଉଛେ ଛୁଆବେଳର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୁଡାକୁ, ଆମେ ଯେତିକି ସବୁ ଦେଖିବା ଯେ ଟିଟାନସ୍ ଆରମ୍ଭ କରି BCG ସେ ସବୁ ଯାହା ଟୀକା ଦଉଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଇ ରୋଗ ବି ଗାୟବ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦଉଛେ କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇ ରୋଗ ଏକ୍ୟୁମୁଲେଟ୍ ନ ହଉ ବୋଲିକିରି। ସେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଟୀକା ଦଉଛେ, ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ଦବାଟା ଠିକ, କାରଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଫ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଦବାର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦବା ତାହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନଟା ଟିକେ କମିବ, ତାମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ଇନଫେକ୍ସନ ଲେବୁଲଟା କମ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାପା ମା ମାନେ ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନିହାତି ଭାବରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଓ, ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।